गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये वीमेन कोकियन एफएफ है और ये रिक्वेस्टेड एफएफ आल्सो है। तो चलिए इसको स्टोरी का स्टार्ट का सीन देखते हैं। और स्टार्टिंग का सीन ये है कि मैरिज हॉल में सीन देखते हैं हमारे ना चारों ग्रूम्स का, जो ना नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ खड़े थे एज उनका मैरिज हो रहा था। वो अपने फ्रेंड अपने ना जो पेरेंट्स की मर्जी से कर रहे थे, एज उनको ना कोई प्रॉब्लम था नहीं मैरिज से उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। एज वो अपने मदर फादर की बात मान रहे थे तो बस अपने एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अभी तक चारों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, बस ना चारों जो होते ना ऐसे नीचे सर झुका के खड़े थे। तो उस टाइम में ना फ्रेस्ट आते हैं और फिर ना उन चारों का ना ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। और फिर ना जो चारों अपना ना बिल्कुल फेस लिफ्ट ऑफ करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वो ना थोड़ी देर के लिए ना साइलेंट होते पोज होते हैं। और उसके बाद ना चारों ही ना ऐसे स्लाइड से ना स्वीट से स्माइल करते हैं। एक है हमारा किम थ्यांग, एक पार्क जिमी, मिनजुंगी और जो चाको, चारों ना करते हैं। और फिर ना एक दूसरे को देखे ना स्लाइड्स और ना स्वीट्स इस्तेमाल करके। उसके बाद फिर जो प्रेस्ट होता है उनके रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं और ना चारों ना काफ़ी अच्छे से उनके रिचुअल्स हो जाते हैं और उनका ना मैरिज भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और उसके बाद फिर ना जो प्रेस्ट होते हैं जब किस करने का बोलते हैं, तो फिर ना जो जमीन और ना तेन का फेस रेड रेड सा हो जाता है। और ना वहाँ जो जकू के ईयर्स रेड होते हैं और ना जुंगी के भी ना ईयर्स रेड होते हैं। उसके बाद ना वो चारों ना ज़्यादा नहीं कहते, जो जुंगी होता है वो ना चारों के ना तीनों के हैंड्स पे किस करते हैं। और सारे मीन्स हैंड्स या फिर फोरहेड पे किस करते हैं, अभी लिप किस कोई भी नहीं करता। तो ऐसा कह के ना उनका मैरिज भी हो जाता है काफ़ी स्वीटली जाता है स्मूथली। और फिर ना उसके बाद फिर उसके फादर उनको ना एक न्यू मेंशन गिफ्ट करते हैं और साथ ही ना कुछ टिकट्स दे देते हैं। तो जो जकू होता है जकू कन्फ्यूज रहता है क्योंकि वो टिकट्स ना जकू के पेरेंट्स ने दी थी, तो वो कन्फ्यूज रहता है कि मतलब फादर ये क्या है। तो उसके मतलब फादर बोलते हैं कि ये तुम्हारी हनीमून टिकट्स है और तुम्हारी फ्लाइट है मॉर्निंग में, मीन्स अब से कोई 6 घंटे बाद, तो तुम जाके जल्दी से पैकिंग कर लो। तो फिर ना वो सुन के ना सारे शौक होते हैं। और फिर ना जो स्कीम होती है वो आती है तेयंग के पास और उसके कान में बोलती है कि अपनी वेडिंग नाइट को वहाँ जाके सेलिब्रेट करना, अभी तुम्हें टाइम लगेगा, तो तुम एक काम करो अभी जाओ घर जाके थोड़ा रेस्ट करना, ज़्यादा हॉर्नी होने की जरूरत नहीं, वहाँ जाके अपनी नाइट को और ना काफ़ी अच्छे से अपने हनीमून को एंजॉय करना। ये बोलते हैं ना स्माइल कर दे। तो वो सुन के ना वो बाद ना चारों ने सुन ली थी और चारों का फेस बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता है। और उसके बाद फिर ना चारों स्माइल करते हैं और उसके बाद ना वहाँ से चले जाते हैं उनके पेरेंट्स भी। और फिर ना वो भी अपने नया नया मेंशन बैठ जाते हैं, वहाँ देखने मैंशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और फिर जो जीवन होता है ना पूरे मैंशन को देख रहा था, स्मेल कर रहा था, उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें ना उसकी पसंद की थी, हाफ जिमिन की पसंद की थी, हाफ तेन की, हाफ जंको की और हाफ ना यूंगी की। तो ना चारों ना मैंशन को घूमने लगते एक साथ ही। और फिर ना साथ इससे पहले चारों ने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ था, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो फिर ना साथ साथ ना चल रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन भी कर रहे थे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे तेयंग का इंट्रोडक्शन। सो नेम किम थ्यांग, एज 22 और पैशन वो अपने फादर का सीईओ, अपने फादर की कंपनी का सीईओ बनने वाले हैं। और स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसको ना, फेवरेट उसको डॉग्स लगते हैं और ना काफ़ी और कुछ चीज़ें इस तरह करके। और फिर अब हम देखते हैं जियो जकू का, उसका इंट्रोडक्शन है जियो जकू फुल नेम, एज 23 और उसका भी ना फादर के साथ ना बिजनेस वो करता है, तो है बट उसका बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको करना पड़ता है। और उसका इंटरेस्ट ना म्यूजिक वगैरह में। और अब हम देखते हैं मिनजुंगी का, नेम फुल नेम मिनजुंगी, एज 24 और उसका इंटरेस्ट ना सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में है, इस वजह से वो ना एक म्यूजिक टीचर है और काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट म्यूजिक टीचर है। अब हम देखते हैं जिमिन का सीन, जो जिसका नेम है फुल नेम पार्क जिमिन। अब वो तो किम मिन
जीवन जीवन पर, ठीक है। तो उसका देखते हैं, उसकी एज है 23, उसकी एज भी 23 है और इतना छोटा जैकू का, सबसे छोटा जैकू का। अच्छा तो ना उसका एज 23 है और वो ना एक डांस ना मीन्स डांस स्टूडेंट है, वो डांस सीखता है, वो ना बहुत अच्छा डांस करता भी है और ना डांस अकेडमी जाता है और बहुत अच्छे से जाता है और सारे क्लासेस लेता है और काफ़ी टाइम ना परफॉर्म भी कर चुका है और ना मॉडल मॉडलिंग करना जो एक्चुअल उसका पैशन है वो है मॉडलिंग, वो मॉडलिंग में पढ़ता है बट उसको ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ना डांस की क्लासेस भी लेते हैं और वो ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और आपस में बातें करते हुए अपना इंट्रोडक्शन करते हुए ये पूरा ना मेजर घूमते हैं जहाँ पे ना एक तो बहुत दूर था इनका मेंशन तो इनको काफ़ी ज़्यादा आने में टाइम लग गया था और अब ना इनको और भी ज़्यादा टाइम लग गया था ये बातें करते उन मेंशन पूरा घूमते सारी जगह और बातें करते करते ना सारे थक जाते हैं तो ना लिविंग रूम में आके बैठ जाते हैं और फिर ना वहाँ भी थोड़ी देर ना ऐसे गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, सब थक गए थे उनको ना सबको ना सांस बहुत था ना और डीपली लेने लगे थे। उसके बाद ना सारे एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और उसके बाद फिर ना जो तियंग होता है वो ऐसे ना चारों की मीन्स तीनों की तरफ ऐसे देखता है वियर्ड लुक से, थोड़ा सा ना ऐसे सस्पिशियस लुक से और फिर कहते हैं तुम में से तुम सब में से बॉटम कौन है। तो ये सुन के ना जो जिमिन होता है उसका फेस रेड हो जाता है और ना जो बाकी दोनों के भी ना ईयर्स रेड रेड हो जाते हैं और फिर ना जो जेंग होता है उसकी भी ना उसको फील होता है उसके जो चिक्स है ना वो रेड रेड हो रहे हैं। तो फिर ना वो बस ना छुप करके वहाँ बैठा होता है तो वहाँ ना सब स्माइल करके ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ना यूंग ही बोलते हैं मैं टॉप हूँ जिमिन। तो जंको बोलता है कि मैं वेल टॉप हूँ लेकिन स्विच होने में मुझे कोई मसला नहीं है, तो ना ऐसे बोलता है। और फिर ना जो तेंग होता है वो बोलता है कि मैं टॉप हूँ और जो जिमिन होता है वो ना बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था जब सुनता है उसके तीन हस्बैंड टॉप है तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता और फिर ना बहुत लो वॉइस में लेकिन ना स्वीट और ना क्यूट वॉइस में बोलते हैं मैं बॉटम हूँ वो इस तरह बोलता है। और फिर ना सारे ना उसकी तरफ ऐसे ना बहुत ना वियर्ड लुक से देखने लगते, बहुत ज़्यादा ना क्यूट लुक था वो, वियर्ड बिल्कुल नहीं था, क्यूट था और उस लुक से देखने लगते जैसे ना जिमिन को और भी ज़्यादा ना शाई फील होता और वहाँ ना क्वेश्चन पड़ा होता तो उसने ना अपना फेस छुपा लेता तो ना वो तीनों हंसने लगता है। ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करने का टाइम, बाय बाय।